to the Motor Mouth और आज मेरे साथ हैं a very famous voice artist, Mr. Chetanya Adib. Hello sir. Welcome. Hi Sonal, thank you so much for calling me and hello everybody. Sir, बहुत सारे fans हैं आपके जो आपके बारे में जानना चाहते हैं और उन्होंने comments किए बाकी की videos में और मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ. Okay. सबसे पहले तो सर सब लोग जानते हैं कि आप एक actor हैं, बहुत ही शानदार actor हैं. हम सब ने आपको बालिका वधू में देखा है, आनंदी के father का role आपने play किया था. तो ये सर voicing industry में कैसे? मेरी शुरुआत जहाँ तक voicing industry की बात है वो by default हुई थी, सच बताऊँ तो, क्योंकि शुरुआत में मैं voicing में इतना मैंने दिलचस्पी नहीं रखी. बट चूंकि कई दिनों तक शुरुआती स्ट्रगल के डेज में होता है कि हर एक्टर को तुरंत काम नहीं मिलता, तो मुझे भी नहीं मिल रहा था. काफी दिनों तक मैं यहाँ वहाँ स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन काम मुंबई से ही है? जी नहीं, मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान, जयपुर को. अरे वाह. और मोस्टली राजस्थान में रहा, तो वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और कॉलेज के बाद में यहाँ आ गया था. यहाँ आने के बाद जब एक्टिंग का काम मिलना इतना आसान नहीं है, आप जानते हैं, नहीं मिला, तब मुझे उस समय ख्याल आया कि क्यों ना मैं वॉइसिंग करूँ. और मेरे कुछ मित्र थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वॉइसिंग करें, आपकी आवाज अच्छी है. तो वो भी सर वॉइस आर्टिस्ट है या आपके एक्टिंग में मित्र थे? नहीं, एक्टिंग में भी थे और वॉइसिंग में भी थे. अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो मिस्टर मनोज पांडे. ओके. वो हमारी डबिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बहुत ही अच्छे कलाकार. बिल्कुल. और उस समय वो एक्टिंग भी बहुत किया करते थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया. और वही नहीं, कई और लोग हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो उसके कहने पर मैंने फिर ट्राई किया और उसके बाद मेरी शुरुआत हुई. और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी एक विधा है. और सर याद है आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था वॉइसिंग का? बिल्कुल याद है. पहला मेरा जो शो था वो मुझे मिला था एक इंग्लिश सीरीज थी, यंग एंड द रेस्टलेस. ये सोनी टीवी पे आया करता था उस जमाने में. एंड इट वॉज 6 days a week. उसमें बहुत किरदार थे, उसमें से मैं भी था एक नया नया. उसमें कोल हावर्ड करके मेरे कैरेक्टर का नाम था. Okay. जो कि राइटर है. जो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि अपनी बीवी को, जो उसकी वाइफ है, उसको वक्त नहीं दे पाता है. तो उनका यही ट्रैक था, दोनों में तनातनी चलती है, थोड़ा सा नोकझोंक होती रहती है इस बात को लेकर. तो दैट वॉज माई फर्स्ट असाइनमेंट एज अ वॉइसिंग आर्टिस्ट, विच आई ऑलवेज रिमेम्बर. तो सर ये एज अ वॉइसिंग आर्टिस्ट आपका पहला प्रोजेक्ट ही डबिंग था? Yes, yes. I got this as a, because I was mainly an actor. So I think that was an added advantage for the people to cast me as a voice artist. But how difficult was it for you? Because dubbing is not an easy task. We all know that there is TV, hai, script, hai, headphones, hai, mic, hai, everything. A lot of coordination between your eyes, your mouth, your ears, your brain, everything. So how difficult did you feel at that time? At that time, in the beginning of the time, it was very difficult. मैं जब डब करता था तो मेरे टेक्स होते थे कई बार 8-8, 10-10 टेक्स हो जाया करते थे. और इतना इरिटेशन भी होता था कई बार मन में, लेकिन एक चैलेंज भी था कि नहीं, मुझे इसको सही करना है. मैं एक एक्टर हूँ और मुझे इसको सही करना है. और वो जो उस ज़माने की प्रैक्टिस है कि एक टेक को आपको परफेक्ट सिंक करना है. आजकल तो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वी हैव द फैसिलिटी टू री सिंक इट एंड यू नो यू कैन शिफ्ट एंड यू कैन सिंक द लाइन्स अगर आपकी थोड़ी आउट सिंक है तो भी. पर उस जमाने में था, ये था जब मैंने शुरुआत की थी आज से कुछ 15-20 साल पहले, कि एनालॉग था सारा मामला. तो उसमें यू हैव टू गिव अ राइट टेक, यू नो यू कैन नॉट रियली उसमें रीटेक की गुंजाइश नहीं हुआ करती थी. तो वो प्रैक्टिस रही हमारी और वो प्रैक्टिस आई थिंक वो आज बहुत काम आ रही है. आई रियली थैंक दोज डेज. या डेफिनेटली. तो सर आपके हिसाब से आज तक का आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी रही है? सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इफ यू आस्किंग मी, आई थिंक मैंने साउथ की फिल्म्स डब की हैं. उसमें से एक प्रभास हमारे कलाकार हैं साउथ के, बहुत बड़े, सभी जानते हैं. उनकी एक फिल्म मैंने की थी मिर्ची, तो उसमें एक वो किरदार मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जो उन्होंने बड़ा ही स्टाइलिश और एक बहुत ही कूल और साथ ही साथ एक बड़ा ही समझ रखने वाला फिलोसफिकल आदमी, किस तरीके से इंसानों को एक दूसरे के साथ प्यार से बांधना है, नफरत को ख़त्म करना है, ऐसा कुछ उनका किरदार था उसमें, जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था. दैट वॉज माई फेवरेट कैरेक्टर व्हाट आई डब्ड फॉर. तो सर आप फिल्म्स में डब करते हैं और साथ साथ आप एनिमेशन भी करते हैं. जी. वॉइस पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि आपको वॉइस चेंज भी करनी है, उसमें चीखना भी है, चिल्लाना भी है, हंसना है, रोना है, हर चीज़. तो उस केस में आप अपनी आवाज़ का ध्यान कैसे रखते हैं और मुश्किल होती है? मुश्किल तो बहुत होती है और उसका ध्यान रखने के लिए यही रखना पड़ता है कि आप चीखने चिल्लाने वाले जो चंक्स हैं वो बाद में करें. पहली बात तो ये, जितने भी नॉर्मल चंक्स हैं वो पहले कर लें और जो चीखने वाला चंक है
उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है कि आपके वोकल कॉर्ड्स की कैपेसिटी उसके बियॉन्ड ना जाएं आप, यू नो, वो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. और उसके अलावा आप हॉट वाटर पीजिए, वो थोड़ा ध्यान रखिए ताकि सिकाव होता रहे. अगर रीटेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं थोड़ा ब्रेक ले लें एंड देन रीडू इट आफ्टर सम टाइम, यू नो, दैट इज द ओनली रेमेडी. जिसे हम वॉइस रेस्ट कहते हैं. वॉइस रेस्ट, या वॉइस रेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट स्ट्रेन योर वॉइस टू मच एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अदरवाइज फिर आपको लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा. सही बात है सर. और क्योंकि हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं, आपने एक बहुत ही फेमस शो किया है अभी रिसेंटली Amazon Prime के लिए. यस, रॉकी एंड बुलविंकल. दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो एंड बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है. Amazon Prime पे नया नया शुरू है अभी. और मैं उसमें एक्चुअली नरेटर का किरदार है मेरा. कैसे बोलता है सर वो नरेटर, क्योंकि आपकी आवाज हमने डिस्कवरी पर डिसअपीयर्ड में एज अ नरेटर होस्ट हमने सुनी है, फियर फैक्टर में सुनी है, बट दिस इज डिफरेंट. सो ये नरेटर कैसे बोलता है? Fear Factor or Disappeared तो altogether different genre था. उसके अंदर आपको live characters थे. जो रोगन जो Fear Factor के जाने माने host हैं उनको मैंने voice दिया था. अब रही बात Rocky Bullwinkle की जो कि animation है, तो इसमें जो narrator है ये एकदम फाड़ू, मतलब एकदम फंडू character है. मतलब कोई उसको बिंदास जिस तरह से बोलते हैं ना normal बात बोलचाल की भाषा, और कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा. और कहानी को वो इस तरह से बता रहा जैसे वो खुद भी एक किरदार है. Okay. That is something different from Disappeared and Fear Factor. Right. Which is very funny and very witty. That goes something like this. Rocky और Bullwinkle के पिछले एपिसोड में आपने देखा Rocky और Bullwinkle ग्रैंड यम यम कुकिंग कॉन्टेस्ट की जीत के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तलाश में समुंदर में गए, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था लूट फिस्क, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही खतरनाक चीज थी. अपनी दादा की मदद से Bullwinkle को वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिल जाता है, और जैसे ही वो अपने लव ग्रैंड यम यम कुकिंग कॉन्टेस्ट की तरफ जाने वाले होते हैं, तभी वहां पे सीक्रेट सर्विस एजेंट के पीचफर्स उनके सीक्रेट बेयर्स उनको कैप्चर कर लेते हैं. अब सीक्रेट एजेंट्स उन बच्चों को दोनों को कहां ले जा रहे हैं किसी को नहीं पता. बहुत ही सीक्रेट जगह पे ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है वो जगह कौन सी है. वो जगह ले जा रहे हैं उनको एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ. Oh, oh, very painful. And it's most difficult also. Yes. Whether you want to act in front of the camera as a for a comedy show, or you want to do voicing for a comedy character, it's very difficult. Of course, it is. It takes a lot of your energy, maximum energy. One, and secondly, it's very difficult to make people laugh. That is that I'm sure people connected with the art of voicing or acting, they'll agree to it. So I was lucky enough ki abhi recently maine ek film mein kaam kiya aur mujhe aapke saath kaam karne ka mauka mila. The Meg. Sharks ke upar kafi sari film ban chuki hai, lekin ye ek alag nahi kism ki unhone koi ek naya dimension diya hai usme, to hopefully it's doing well also. Abhi recently release hui hai. Jason Statham ki voice maine ki, aur aapne usme female lead ka character play kiya hai. Aur I think काफी अच्छा लगा. उसमें भी काफी cool character था वो. मुझे आमतौर पर कुछ cool characters ज़्यादा मिलते हैं, या फिर cool के अलावा कभी कभी rowdy characters भी मिलते हैं. Okay. तो सर साउथ के बहुत सारे हीरोज को आपने वॉइस दी है. जी, मैंने काफी सारे एक्टर्स को दिया है. विजय को दिया है, प्रभास जी को दिया है, कार्थी हैं, और वेंकटेश हैं, प्रभु देवा हैं. तो सर फैंस का जनरली एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर उन्हें एक वॉइस आर्टिस्ट बनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, ऑनेस्टी. लोगों को ज़्यादातर लगता है कि वॉइसिंग आर्टिस्ट बनने के लिए हमें एक बेसी वॉइस होना, एक भारी भरकम वॉइस होना बहुत ज़रूरी है. मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं पिछले इस वॉइसिंग इंडस्ट्री में पिछले 15-20 सालों से हूँ, और मैंने हमेशा देखा है अलग अलग किस्म के अपने वॉइसिंग आर्टिस्टों से मिला हूँ. मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ में काम करने वाले मेरे कली कई आर्टिस्ट हैं जिनकी हर एक की एक अपनी अलग भिन्न वॉइस है. और more than the quality of voice, I think for a voice actor what's important is his performance, her performance. कि आप एक किरदार को किस तरह निभाते हैं, कितना फील करते हैं, कितना टेक्निकलिटीज होती हैं कि माइक का पोजिशन, कैसे वॉइस थ्रो करना है, क्या वो तो वक्त के साथ आदमी सीख जाता है. बट बेसिकली द परफॉर्मेंस विच हैज टू कम फ्रॉम विद इन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इफ यू आर परफॉर्मिंग, डज नॉट मैटर आपकी वॉइस पतली है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा भारी है, डज नॉट मैटर. हाँ, किस किरदार के ऊपर आपकी वॉइस सूट करेगी वो देखने वाली बात अलग है. और
ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट विल गो अक्रॉस टू द ऑडियंस एनीवेज व्हाटएवर द क्वालिटी ऑफ अ वॉइस इज राइट. और सर उससे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल वॉइस आर्टिस्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है, हम लोग जानते ही हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं, और फैंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, वॉइसिंग आर्टिस्ट जो है वो इंसान ही है, वो अपना 100% डालते हैं. अब उनको रिप्लेस किया जाता है, उसके कई कारण होते हैं. मोस्टली तो यही होता है कि एक वॉइसिंग आर्टिस्ट है और एक कोई बड़ा स्टार है, तो स्टार वॉइस डालेंगे तो हो सकता है लोगों को लगता है, प्रोडक्शन हाउसेस को लगता है कि हम ज़्यादा ऑडियंसेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कैन हैव मोर बिजनेस आउट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स. सो आई थिंक यही धारणा रहती है रिप्लेस करने की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और आई एम श्योर अदर पीपल विल ऑल्सो एग्री टू दिस, कि एक फिल्म या एक टीवी शो या एक प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, डबिंग का प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर राइटर्स ने क्या कंटेंट दिया है बोलने के लिए और परफॉर्मर्स ने क्या परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्म किया है, दैट मैटर्स. जिससे कि ऑडियंस उसको एंजॉय कर रही है या नहीं कर रही, दैट मैटर्स. वॉइस वो किसी बड़े स्टार की है या एक वॉइसिंग आर्टिस्ट की है, रेगुलर वॉइसिंग आर्टिस्ट की, आई डोंट थिंक इट डज मैटर टू द ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे. दे विल लाइक इट ऑन द फेस ऑफ इट. जो अगर अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, दे विल एक्सेप्ट इट. if it is not a good performance, they will reject it. Right. And it is rightly said that voice artists are the unsung heroes of the entertainment industry. Very big unsung heroes for over the years. पिछले 20 सालों में मैंने जहाँ तक, जब से मैं कर रहा हूँ, मुझे तो अब इस आपके इस शो के जरिए आई एम श्योर मेरे कुछ फैंस और ऐड हो जाएंगे, थोड़े बहुत लोग जानते होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे सर, और अब ज्यादा हो जाएंगे डेफिनेटली. As an actor, of course, God has been kind. As an actor, people do know me. Or, but as a voicing artist, लोगों को इतना शायद जानकारी नहीं है. Audiences को, हमारे industry के हमारे जो colleagues हैं, वो तो जानते हैं. तो मेरे हिसाब से उनको credit मिलना चाहिए. Yes. इस चीज़ के लिए तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ और हमेशा support करता रहा हूँ कि whichever level the artists, technicians involved into voicing projects, they should be given credit for that, for their work, as they are given in the West. Yes, और उसी के लिए सर ये मेरी छोटी सी कोशिश है जो मैंने चैनल शुरू किया है. This is a very great endeavor and a very nice effort which is Sonal has started for her channel, and she has started this channel to promote the voicing artists and to introduce the new fans to the artist, as well as it can definitely give you an insight into voicing world, that how to get into that. उसके लिए क्या रिक्वेस्ट्स हैं और आपके लिए क्या स्कोप है, इसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया आपको इससे डेफिनेटली लगेगा. और इसके लिए आप हमेशा हमेशा सोनल के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है द मोटर माउथ. प्लीज सब्सक्राइब टू इट, लाइक इट एंड कीप वॉचिंग इट, एंड थैंक यू सो मच. एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सर. थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंसेस, शेयरिंग देम विद अस, एंड बहुत बताया. इट वॉज कम्प्लीटली माई प्लेजर. Thank you. Thank you. Bye.